नाम ही काफी है। जनाब आगा माजिद। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान यंग एक्टर एंड मॉडल हिना अफरीदी। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है आज मेरी फेवरेट अदाकारा हिना अफरीदी साहब तशरीफ लाई हैं। माशाल्लाह जितनी प्यारी हैं इतना ही प्यारा मैं शेर लेके आया हूँ आगा जी के लिए। अच्छा कीता है, पहले मैं आया। इस दुख भरी महंगाई में खुशी के लम्हात देता है ये आदमी तो बिजली का बिल देख के भी हंसा देता है। गम के काफलों को लगा देता है हद। पाकिस्तान के नंबर वन कॉमेडियन स्टार आगा माजिद। हाय हाय हाय, बहुत शुक्रिया सर डॉक्टर साहब। वो हमारे दिलों में समाए हैं, हैं खुशहाल पर थोड़ा सा सताए हैं। सीरियस बातों में भी आज होगी कॉमेडी क्योंकि हमारे आगा माजिद आए हैं। हिना क्या हालचाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइए, कॉमेडी के अंदर टाइमिंग की बहुत जरूरत होती है। अच्छा। और इसके बारे में बड़ा जोर दिया जाता है। एक गल उन्होंने बन दी थोड़ी करनी। मेरे ना गल करो, मैं थोड़ी गड्डी दी हवा कट के दौड़े हैं। मैं असल आता हूँ आपकी तरफ भी। पहले मेरे ना लाओ, पहले कौन आया इतने? आप पहले आए थे लेकिन देखे वो खातून है। कर लो तुसी, ना कर लो। लेडीज फर्स्ट होता है ना। लेडीज फट के बस लेके जान लगे तुसी फिर लेडीज फर्स्ट। मगर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनसे नहीं, मेरी इजाजत नहीं, पहले मेरा सवाल करो। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं आपसे आज तुसी समझो आगा साहब नहीं बुलाए, सास बुलाई है। आप बताइए, मैं आपसे करूँ या उनसे पहले बात करूँ? नहीं आप इनसे कीजिए, वो सीनियर है। ठीक है, मैं उनसे नहीं, पहले आप इनसे कीजिए। चले बेटा कोई नहीं, आप छोड़ो। चले आपसे पूछ लेता हूँ ना, ये बताइए कॉमेडी बहू साबित हुई हूँ। ये बताइए कि आप कॉमेडी के अंदर टाइमिंग की बहुत जरूरत होती है, क्या आप इस चीज से एग्री करती हैं? मुझे तो कुछ नहीं पता इस चीज के बारे में, एक्सपीरियंस नहीं है। ओके ये हो गया, पहले नहीं पता इस सवाल इनु कीता ही बेचारी नु। मैं अब आपसे सवाल करता हूँ आगा साहब, घने और लंबे बालों के लिए क्या करना चाहिए? आज वासी साहब पके ने, आज नहीं पादे पके। आगा साहब आप कुछ कह रहे थे? नहीं तुझे ये प्लान करके बैठे सारे। नहीं नहीं तौबा करें, अगर आप देखें आपस की जो आप लोगों की है ये चलती रहेगी, मेरे सवाल का जवाब नहीं आप। जी जी, सवाल क्या था? घने और लंबे बालों के लिए क्या करना चाहिए? हाँ घने लंबे बालों के लिए, अरे आप मिक्स कर दिए क्वेश्चंस को, जो मुझसे पूछना था आपने उनसे पूछ लिया। जो बेटा वो जानबूझ के कर रहे हैं। ओके हां जानबूझ के कर दे। नहीं नहीं मैं वैसे ही जानना चाह रहा हूं कि हो सकता है आपके पास को बेहतर जवाब हो, जिस तरह उनके पास बेहतर जवाब होता तो मेरा ये हाल होता। ते आगा माजिद साहब ये शुरू से ही आपको ये खुला चीर ही पसंद है। मगर नहीं वैसे ये एक इंटरेस्टिंग बात है आगा साहब, ये कब से आपने हेयर स्टाइल ये रखा हुआ है? आईडी कार्ड पे जो तस्वीर है उसके अंदर भी यही वाला है या उसमें कोई पुराने वाला आदमी? वो चते सुल्तान गोल्डन वाले वाल के मोटरसाइकिल से जा रहे थे अंजोर भी। नहीं ये बचपन से ऐसे हैं। बचपन से ही ऐसे? जी मैं मतलब मैंने तो जब होश संभाली जी ऐसे ही देख रहा हूँ। तब से ऐसे ही देख रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आईडी कार्ड पे भी यही वाले हैं? आईडी कार्ड तुझे की करना मेरा आईडी कार्ड में दसो तो दिखे राशन देने लगे हो। कई बार होते इस तरह ठाकुर साहब की आईडी कार्ड वाली तस्वीर देखो, ठाकुर साहब दे तुसी आईडी कार्ड दे फोटो देखो तो लगता केल ठोके आया उते। और यकीन कर लो इना दे आईडी कार्ड देखो रे, मैं कपड़े भी टांग दे। मगर आगा साहब ये तो खैर कॉमेडी अपनी जगह मुझे। अच्छा अजय सीरियस गुफ्तगु है। अरे सुभान अल्लाह क्या बात है, ये तो कॉमेडी अपनी जगह। हाँ सीरियस गुफ्तगू होगी बिल्कुल। आगा साहब आप आए और सीरियस गुफ्तगू ना हो ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल मुझे पता है आपके अंदर एक बहुत दुखी इंसान है जो कि बड़ा सेंसिटिव है। क्यों भाई यानी दुखी इंसान है, मैं 16वीं उम्र से तो डिग गया। लेकिन मगर है यार मैं आपका इमेज बिल्डअप। अल्लाह ना करे मैंने कोई दुख नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक दा बड़ा करम है। नहीं नहीं मगर मुझे ये बताइए कि आप फिल्मों में भी काम करते रहे हैं और अभी आजकल आप माशाल्लाह दोबारा कर रहे हैं चल मेरा पुत्र, हमने आपको सीरीज के अंदर देखा था और अभी भी आपकी फिल्म आ रही है नो लव नो टेंशन जी, ये किसकी फिल्म है? ये हमारे बड़े पुराने एक प्रोड्यूसर हैं जूनी मलिक साहब जी,
उनके क्रेडिट पे बहुत बड़ी बड़ी फिल्में, उनकी फिल्म है इसमें, कैसर भी मेरे साथ है। अच्छा, ये भी आपके साथ है? ये भी की मैं कि पानी पाता थे बन नहीं, मुझे नहीं इल्म था कि आप भी कर रहे हैं कोई ऐसी फिल्म। मैं भी कर रहा हूँ। मगर मुझे एक बात बताएं, मुझे हमेशा ये एक मेरा बड़ा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि आगा साहब, आप इतना ज्यादा हमें एक्टिंग करते हुए नहीं नजर आते जितना आपके अंदर पोटेंशियल है। वेयर एज आपके मुकाबले में हमने बहुत से और आपके साथियों को देखा है जो बहुत ज्यादा माशाल्लाह एक्टिंग कर रहे होते हैं, मगर आप क्यों नहीं इतना नजर आते? क्या ये कोई पर्सनल करने वाली चीज ही नहीं है? क्या मतलब एक्टिंग करने वाली चीज ही नहीं है? तो ये जो बाकी सब फिल्मों में कर रहे हैं क्या? नहीं सर, एक्टिंग जबरदस्ती की एक्टिंग थोड़ा, बाकी तो जबरदस्ती की एक्टिंग कर रहे हैं। मगर क्या ये कोई पर्सनल चॉइस होती है आपकी? क्या आप कहते हैं नहीं इतना? मैं आपसे एक सिंपल एक सवाल है कि मैं वहां से भाई पानी मिल सकता है? ये सवाल मैं सवाल कर रहा हूँ। थोड़ा एक्टिंग का पता ही नहीं थे, थोड़े गल की करनी है। ठीक है, ये एक है कि वहां से भाई एक गिलास पानी का मिल जाएगा, ये बात होगी जी। क्या एक गिलास पानी का मिल जाएगा, ये एक्टिंग हो गई। बिल्कुल। तो आप जब नेचुरल लाइफ में जैसे आप बात करते हैं कि जरा एक गिलास पानी के दे दे, तो आप वैसे बात, तो आपके ख्याल से ये वाली नहीं हो रही इतनी ज्यादा? और ये नहीं हो रही, ये होनी चाहिए नेचुरल। आप ये होनी चाहिए, ये नेचुरल है, ये होनी चाहिए, है ना? आपने एक्टिंग का आगाज किया, मुझे बताएं आपकी फैमिली में कोई एक्टर्स वगैरह रह चुके हैं? नहीं। तो आपको ये कैसे ख्याल आया? मुझे ख्याल ऐसे आया क्योंकि माया अली जो है वो हमारी फैमिली फ्रेंड है। ठीक है। तो उन्होंने, हमारे बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं अंजुम शहजाद, तो उनको पिक्चर दिखाई, तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे सेकंड लीड दे दिया था और पहली सी मोहब्बत ड्रामे में। एक सेकंड आपको यहाँ पे रोकूंगा, आप में से जो लोग भी एक्टिंग की दुनिया में जाना चाहते हैं वो माया अली से दोस्ती करें, क्योंकि फिलहाल सिर्फ वही एक रास्ता लग रहा है हमें। लेकिन सर इनसे तो मुंह भी होना चाहिए ना। ये गल नहीं है, नो लव नो टेंशन, तू नहीं कर रहा। अच्छा, तो माया अली ने पिक्चर दिखाई अंजुम साहब को और उसके बाद उन्होंने आपको बुलाया जी। उससे पहले देखती थी आप एक्टिंग वगैरह दूसरे लोगों की? मैं एक्टिंग नहीं देखती थी, जैसे प्रॉपर जो ड्रामा आ रहा होता था या मूवी आ रही होती थी तो मैं चलते हुए देख लेती थी, लेकिन उसमें एक्टिंग ही होती है, कपड़े धो रही होती है सारी। आपके थे फेवरेट एक्टर्स? मुझे बिलाल अशरफ बहुत अच्छे लगते हैं एज एन एक्टर, शहरयार मुनव्वर बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं देखती थी। लेकिन अब जब मैं खुद करने लगी हूँ ना, तो अब मुझे सब ऐसे लगता है, अच्छा ये तो एक्टिंग कर रहे हैं, नकली नकली लगता है। नहीं आर्टिस्ट बहुत अच्छे, फिर झूठ बोल रहे साढ़े ना 9 साल हो गए सानू तो पता कहते आर्टिस्ट ने। बहरहाल मैंने तो उनकी फिल्में भी देखी, मेरे तो मतलब पसंदीदा आर्टिस्ट कह लें। आगा साहब, आपने भी कहा कि आपने मेरी फिल्में देखी हुई हैं, बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ है कि एक हमारी जो दूसरी फिल्म थी जवानी फिरनी आनी 2, उसके अंदर आगा माजिद साहब को हमने काम करवाने की बहुत कोशिश की थी, मगर आगा साहब आप नहीं माने, तो ऐसा क्या करना पड़ता है कि आप एक्टिंग पे मान जाएं? नहीं नहीं है, वो ऐसी बात नहीं, वो एक तो मुल्क से बाहर जाना था। हाँ जी, तो क्या आपको मना है? नहीं मना क्यों, मैंने हैजा होया है, मैं नहीं जा सकता। तो आप बताए ना, आप क्यों नहीं गए? वो उन दिनों में मेरा कुछ मतलब बड़ा टाइट शेड्यूल था, रिकॉर्डिंग वगैरह ये वो लेना देना, उसकी वजह से, वरना कभी हो सकता है। लेकिन सर वो डील मेरे सामने हो रही थी, इनका बजट का इशू था, अब कम पैसे दे रहे थे। कहां, इन्होंने तो पैसों की बात ही नहीं की थी उस वक्त तक। नहीं, मैं तो सब तो पहले करता ही पैसे की गल, आपने उस दिन नहीं की थी। मगर मैं बता रहा हूँ, आपको कोई इशू वगैरह था, कोई आपका टाइट कोई स्केड्यूल था, आपने कहीं और जाना था, ये वो था? वो ऐसा था, मगर मौका निकल गया हमारे हाथ से, आपके साथ एक्टिंग करने का मौका मिला। सर मैं इंशाल्लाह, आप जब भी, आप ये सबके सामने गवाही दें, आप जब भी कभी फिल्म बनाएंगे जी, तो आप बनाते रहते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके साथ। बस ये देख लें, आप सब लोग गवा रहिएगा कि अगली फिल्म जी मैं करूंगे। सर आपने इतने कॉमेडियंस के साथ काम किया, लेजेंड्स के साथ काम किया, आपके सबसे फेवरेट कॉमेडियन कौन है? कॉमेडियंस में मेरे, अल्लाह उन्हें गरीके रहमत करे, अमानुल्लाह साहब मेरे पसंदीदा कॉमेडियन थे, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, और मेरे सीनियर्स जो ये कहते हैं मेरे बारे में, वो थे, अल्लाह उन्हें भी गरीब रहमत करे, आबिद खान साहब। कोई ऐसे हैं जो हयात वो फेवरेट नहीं ना मेरे, उनमें थोड़ा ना लवा तो फिर जिनको आप पसंद ही करते।